नमस्कार जी सभी को, आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर नहीं कहूँगी, फर्स्ट लेक्चर कहूँगी, क्योंकि स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत डिमांड आ रही थी कि मैम प्लीज़ आप ऑप्टिक्स के टॉपिक करवाइए, ऑप्टिक्स की वीडियोज़ लेकर आइए। ऑप्टिक्स मीन्स स्टडी ऑफ लाइट, लाइट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स अ वेव, वेव मीन्स अ डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस मीन्स ऑसिलेशंस, SHM। सो मेरी हमेशा ये स्ट्रैटेजी रहती है कि मैं बीच में से उठकर कहीं भी कुछ भी नहीं डिस्कस कर सकती, आई विल हैव टू डिस्कस द थिंग्स थॉरली, क्योंकि मुझे आपके दिमाग के अंदर जो कीड़े हैं कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने के, उन सबको बाहर निकालना, आई हैव टू मेक ऑल द कॉन्सेप्ट क्लियर इन योर माइंड्स। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि कहानी की शुरुआत जहाँ से होती है हमें वहीं से चल के आगे को बढ़ना चाहिए। आई नो इट विल कंज्यूम लिटल टाइम कि हम SHM से ऑप्टिक्स तक जाएंगे, बट इट इज़ वेरी मच नेसेसरी दैट कि आपको पहले SHM की इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, फिर आपको वेव्स के बारे में पता हो, देन वी विल टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेव विच विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड थॉरो स्टडी ऑफ दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन ऑप्टिक्स। सो चलिए, आई वेलकम यू ऑल अगेन इन दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बात आ गई सिंपल, सिंपल तो भैया सिंपल ही होती है। आई रिमेंबर द डेज व्हेन आई वाज स्टडिंग इन कॉलेज, तो माय नेम इज दिव्य ज्योति, हम लोग क्लास में तीन स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके नेम के अंदर सिमिलैरिटी थी, दिव्य ज्योति, नवज्योति एंड ज्योति। और हमारे टीचर थे फिजिक्स के, वो जब भी अटेंडेंस लगाते थे और स्टार्टिंग में मेरा रोल नंबर आ जाता था, जैसे ही मेरा रोल नंबर आता एंड आई यूज टू स्टूड अप टू मार्क सो दैट टीचर में मार्क माई अटेंडेंस, तो वो हमेशा पूछते थे एक नवज्योति है, एक दिव्य ज्योति है, एक नव ज्योति है, तीसरी कौन सी ज्योति है। तो ज्योति खड़ी होती, कहती सर मैं सिंपल ज्योति। सो वी यूज टू लव इन एवरी लेक्चर ऑफ फिजिक्स एट दैट टाइम। सो उसी तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक मोशन होती है, एक सिंपल मोशन होती है, एक हार्मोनिक मोशन होती है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। सो बेसिक डिफरेंसेस आर देयर जिनको हम आज डिस्कस करेंगे, और आपके दिमाग पर पड़ी हुई धूल की परत को हम हटाएंगे। मोशन, सो वी मस्ट स्टार्ट द थिंग्स फ्रॉम द वर्ड मोशन इट्सेल्फ। अब कहानी है कि मोशन होती क्या है, यहीं से हमें स्टार्ट करना चाहिए। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में बहुत इसको थॉरली पढ़ रखा है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमें पता है कि स्पेस एंड टाइम दीज आर द बेसिक एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज इन दिस यूनिवर्स, जिनके बेस पे सारे के सारे लॉज, सारी की सारी क्वांटिटीज को हम जिनके रेफरेंस में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, कुछ टाइम हुआ, यहाँ से यहाँ पहुँचने में आई कंज्यूम फ्यू सेकेंड्स, तो ये कुछ टाइम बाद मैं यहाँ पहुँच गई, सो आई एग्जीक्यूटेड मोशन। सो मोशन क्या हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट अगर टाइम के कंटेक्स्ट में या किसी एक टाइम पे यहाँ है, दूसरे टाइम वो कहीं और हो गया, तो इट मीन्स उसने मूवमेंट करी, उसकी मोशन है। अब मोशन की अगर हम टाइप्स की बात करें, मैं हमेशा बात करती हूँ कि जब हमें क्लासिफिकेशन करनी है, जब हमें टाइप्स डिस्कस करनी है, देर आर वेरियस क्राइटेरियाज। जिस तरीके से आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ पर सेक्शंस बन जाते हैं एंड ग्रुप्स बन जाते हैं इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, तो वो जो ग्रुप्स, जो सेक्शंस बनते हैं, उनका हमेशा कुछ क्राइटेरिया रहता है। कहीं पर ऑड रोल नंबर्स को अलग कर दिया जाता है, इवन को अलग, कहीं पर गर्ल्स वर्सेज बॉयज़, कहीं पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कहीं पर इंटेलिजेंसी बेस्ड, सो अलग 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 क्राइटेरियाज हैं। सो एग्जैक्टली इन द सेम मैनर अगर मैं कह रही हूँ कि मोशन के कुछ टाइप्स हैं, तो मेरा क्राइटेरिया क्या है, मैं किस चीज को आधार बनाकर, बेस बनाकर वो क्लासिफिकेशन कर रही हूं। सो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजेक्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगी ट्रेजेक्ट्री बेस्ड कि मोशन की ट्रेजेक्ट्री होती है पाथ फॉलोड, कि कोई ऑब्जेक्ट जब चलता है तो उसके उसका जो पाथ है, वहां पर अगर मैं लाइंस ड्रॉ करती जाऊं, उसकी शेप किस तरीके की होगी, उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। सो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजेक्ट्री मैं कहूंगी कि ब्रॉडली जो मोशन रहती है वो फोर टाइप्स की मोशन होती है। वन इज ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी एंड सर्कुलर, ऑसिलेटरी जिसको हम वाइब्रेटरी भी कह देते हैं, ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन, एंड प्रिसीजनल मोशन। सो ब्रॉडली देर आर फोर कैटेगरीज ऑफ मोशन
फर्स्ट ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब जस्ट अ चेंज, मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ पहुँच गई, सिर्फ मेरी पोजीशन में चेंज आया अलोंग अ लीनियर लाइन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन इन अ लीनियर डायरेक्शन और अलोंग अ लीनियर पाथ, तब हम बोलते हैं उसकी मोशन क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है. मीन्स कि अगर मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिले, तो हम बोलते हैं मोशन इज ट्रांसलेटरी मोशन. अब बात मैं करूँ सर्कुलर मोशन की, नेम से ही क्लियर है कि अगर मैं इनिशियल फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ, ऑब्जेक्ट ने चला बेचारा गोल 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 घूमा, चक्कर आया उसको और वो वापस उसी पोजीशन पर पहुँच गया, आप लोगों ने पेन से पेंसिल से उसके पाथ को ट्रेस किया, एंड यू गेट अ सर्कल. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट इट्स पाथ इज अ सर्कल, या वो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है इसको. इसके अंदर मैं कहूँ कि फर्दर ऑन जो मोशन की टाइप्स रहती हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोटेशन होती है एंड रेवोल्यूशन होती है, और एक कर्वी लीनियर मोशन भी हम बोलते हैं, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर लेते हैं. कर्वी लीनियर मतलब कर्व भी है और लीनियर मोशन भी है. लीनियर मतलब स्ट्रेट भी चला फिर कहीं पर कर्व ले लिया, स्ट्रेट चला फिर कहीं रैंडम, मैं कभी यहाँ जा रही हूँ, कभी यहाँ जा रही हूँ, कभी ऐसे घूम जाती हूँ, कभी आगे हो जाती हूँ, कभी पीछे हो जाती हूँ, तो कभी मेरी मोशन स्ट्रेट रहती है, कभी कर्वेचर आ जाता है. सो सच टाइप ऑफ मोशन इज कर्वी लीनियर मोशन. और अगर मैं घूमने लग जाऊँ, घूमने के दो तरीके हैं. अब जैसे घूम रहे ये मार्कर बेचारा इस डस्टर के आसपास घूम रहा है, दिस इज रेवोल्यूशन. अब ये मार्कर ऐसे ही घूमने लग जाए, अपने ही एक्सिस के चारों तरफ घूमने लग जाए, दैट इज रोटेशन. सो ये भी सर्कुलर मोशन की कैटेगरी के अंदर हम स्टडी करते हैं. रेवोल्यूशन मतलब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड एन एक्सिस विच इज नॉट इनसाइड द ऑब्जेक्ट, की जो एक्सिस है वो ऑब्जेक्ट के बाहर कहीं पर लाई कर रहा है और उसके चारों तरफ ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन. एंड रोटेशन इज की एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर रहता है, एक लाइन जो बॉडी के अंदर ही और उसके चारों तरफ ऑब्जेक्ट घूम रहा है, उसको हम बोलते हैं रोटेशन. सो रोटेशन हो गई, रेवोल्यूशन हो गई, कर्वी लीनियर मोशन हो गई, दैट वाज सर्कुलर मोशन. कमिंग ऑन टू द ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी भी आप बोलते हैं, वाइब्रेटरी भी बोलते हैं, जिसे हमने आज डिटेल में डिस्कस करना है. सो ऑसिलेशन मींस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मेन पोजीशन. मैं यहाँ गई, मैं यहाँ भी गई, मैं यहाँ भी गई, और इस पॉइंट के आसपास यहाँ वहाँ मोमेंट जो है दैट इज ऑसिलेटरी मोशन. अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो अभी करते हैं प्रिसीजनल मोशन में क्या होता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन होती तो रोटेशनल मोशन है, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन, जस्ट लाइक मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन. अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमती है, रोटेशन तो है लेकिन वो उसका एक्सिस बदलता जा रहा है. मतलब रोटेशन और रेवोल्यूशन के कॉम्बिनेशन से जन्म होता है प्रिसीजनल मोशन का, जब दोनों साथ में मिलकर अपना शो, जो अपना गेम है वो दिखाती है, देन वी कॉल इट प्रिसीजनल मोशन. जस्ट लाइक स्पिनर मूवमेंट करता है और इलेक्ट्रॉन की मोशन है अराउंड न्यूक्लियस, ये सब एग्जांपल्स हैं प्रिसीजनल मोशन के. ऑसिलेटरी पेंडुलम का, क्लॉक का पेंडुलम, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन. फोन वाइब्रेट करता है, आपका वाइब्रेटरी मोशन. सर्कुलर मोशन आप जो है जो अर्थ की मोशन है अराउंड द सन, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन. एंड ट्रांसलेटरी मोशन में मोशन ऑफ एनी कार, एनी बस, एनी स्कूटर, दैट इज टर्म्ड एज सर्कुलर मोशन. सो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजेक्ट्री मोशन की ये टाइप्स थी जिनमें से हमें इसकी बात करनी है. लेकिन इससे पहले कि हम इसकी बात करें, वी विल हैव टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ रैपिटेशन, कि मोशन अपने आप को रिपीट करती है या नहीं करती, या हम करवाते हैं, किस तरीके से ये कहानी रहती है. तो चलिए सुनते हैं इस प्यारी सी सुंदर सी कहानी को. टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ रैपिटेशन, मोशन इज ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रैपिटेशन. एक होती है पेरियोडिक मोशन एंड अनदर इज ए पेरियोडिक मोशन, एंड अनदर इज ए पेरियोडिक मोशन. नेम से ही क्लियर है, पेरियोडिक मतलब जिसके अंदर पीरियड हो, पीरियड मीन्स फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ए पेरियोडिक मतलब जिसके अंदर कोई फिक्स टाइम ना हो. सो पेरियोडिक मोशन क्या रहती है, मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पेरियोडिक मोशन. एंड ए पेरियोडिक मोशन कौन सी रहती है, द मोशन दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एनी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड ए पेरियोडिक मोशन.
मतलब जो पेरियोडिक मोशन रहती है वो अपने आप को रिपीट करती है, सॉरी अपने आप को रिपीट करती है कुछ फिक्स टाइम के बाद, और ए पेरियोडिक जो होती है वो अपने आप को रिपीट नहीं करती। पेरियोडिक के अंदर वही मैं बात करूं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन 365.25 डेज के बाद अर्थ वहीं पर आ जाती है, बशर्ते लीप ईयर ना हो जैसे कि अब चल रहा है। एंड रोटेशन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस 24 आवर्स के बाद फिर से वहीं आ जाना, दैट इज ऑल्सो पेरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक इज ऑल्सो पेरियोडिक मोशन, मतलब जहाँ पर बॉडी वापस वहीं आ जाए। आप मान लीजिए आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी की बुक में प्रॉब्लम्स भी हैं, एक शराबी है जी, वो तीन कदम आगे चलता है दो कदम पीछे आ जाता है, तीन कदम आगे चलता है दो कदम पीछे आ जाता है, तीन कदम आगे चलता है दो कदम पीछे आ जाता है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ पेरियोडिक मोशन। अब एक चींटी है चढ़ी, बेचारी पांच स्टेप चढ़ती है दो स्टेप नीचे, पांच चढ़ती है दो नीचे, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पेरियोडिक मोशन। और अगर आप उसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो टाइम के साथ सपोज आपने पोजीशन का ग्राफ लिया, बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है डिस्प्लेसमेंट का, तो वो कुछ किसी भी तरीके का आ सकता है। सो पेरियोडिक इस तरीके से, मतलब जो ग्राफ की शेप रहती है दैट रिमेन सेम, तो ये रहती है पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक मोशन अभी मैं जैसे बोल रही थी कि मैं इधर आई इधर गई इधर, स्विंग स्विंग, झूले पर आप बैठे हैं, आप झूला ले रहे हैं, आगे आए पीछे आए आगे आए पीछे आए, तो ये क्या रहती हैं, पेरियोडिक मोशंस रहती हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर ए पेरियोडिक मोशन की, सो द मोशन दैट डज नॉट रिपीट इट सेल्फ इज कॉल्ड ए पेरियोडिक मोशन, मतलब जिस मोशन के अंदर कोई रेपिटेशन नहीं होती। आप एक शहर से दूसरे शहर कार में चले गए, बस में चले गए, स्कूटर में चले गए, एरोप्लेन से चले गए, कहीं भी चले गए एंड बस गए वहाँ पर, बस में चले गए, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ए पेरियोडिक मोशन। सो ये थी पेरियोडिक एंड ए पेरियोडिक, इनको बाउंडेड और अनबाउंडेड भी कहा जाता है, कि बाउंडेड मतलब मोशन वहीं उन दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में ही अपने आप को रिपीट करती रहे, वी कॉल इट बाउंडेड मोशन। सो बाउंडेड पेरियोडिक मोशन की ही कैटेगरी में आ जाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हमें आज स्टडी करनी है। अब इससे पहले कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पर पहुंचे, वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू टर्म्स विच विल बी यूज्ड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड उससे भी पहले हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ऑसिलेशन वर्सेस वाइब्रेशन, क्योंकि हम लोग बड़ी कैजुअली ऑसिलेशन की जगह वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की जगह ऑसिलेशन यूज़ कर लेते हैं, और मोस्ट ऑफ द पर्संस को तो यही पता नहीं होता कि ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन सेम है भी या नहीं। तो चलिए परेशान ना हो, आज हम देख लेते हैं कि ऑसिलेशन वाइब्रेशन ये सेम है नहीं है, क्या है, लेट अस डिस्कस दिस। पेरियोडिक ए पेरियोडिक में मैं फिर से बता दूं कि पेरियोडिक मतलब रिपीट करना। आप लोग स्टेयर्स चढ़े, एक बच्चा है बेचारा आपके घर में, एक बेबी है, चार स्टेयर्स चढ़ता आप उसको फिर से पीछे खींच लेते हैं बेचारा, फिर फोर स्टेयर्स चढ़ता आप फिर से पीछे खींच लेते हैं, फिर फोर स्टेयर्स चढ़ता है फिर आप पीछे खींच लेते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ पेरियोडिक मोशन इन इटसेल्फ। सो एक यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि ऑल द ऑसिलेटरी मोशंस आर पेरियोडिक, बट ऑल द पेरियोडिक मोशंस आर नॉट नेसेसरली ऑसिलेटरी। माइंड इट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि पेरियोडिक और ऑसिलेटरी, अब हम यहाँ पर बात करें, मैंने अभी कहा ऑसिलेशंस, मैं यहाँ भी गई, मैं वहाँ भी गई, मैं यहाँ भी गई, मैं वहाँ भी गई, मैं बार बार इधर उधर आ जा रही हूँ, दैट इज ऑसिलेशन। और रेपिटेशन भी है आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, सो ये पेरियोडिक भी है। सो ऑल द ऑसिलेटरी मोशंस आर पेरियोडिक, बट ऑल पेरियोडिक मोशंस मे नॉट नेसेसरली बी ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी होने के लिए टू एंड फ्रो होना जरूरी है, पेरियोडिक होने के लिए हमें जस्ट रेपिटेशन चाहिए। तो ऑसिलेशन के अंदर टू एंड फ्रो, यहाँ भी वहाँ भी, यहाँ भी वहाँ भी, तो रेपिटेशन है। इट मीन्स मोशन ऑसिलेटरी मोशन पेरियोडिक है। फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक, क्लॉक का जो पेंडुलम रहता है वो बार 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 अपनी मोशन को रिपीट करता है, ऑसिलेशन एंड पेरियोडिक भी है, क्योंकि वो अगर आप सेकेंड उसमें लें तो वो वन सेकेंड के बाद अपनी मोशन को रिपीट करते रहता है, सो उसका टाइम पीरियड हो जाता है वन सेकेंड। टाइम पीरियड की अब अभी हम बात करेंगे। सो लेकिन अगर मैं रिवर्स बात करूं कि सारी की सारी पेरियोडिक मोशंस ऑसिलेटरी नहीं होती हैं, उसके लिए यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन एंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, घूम रही है बेचारी, दैट इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन, दैट इज नॉट बट दैट इज पेरियोडिक मोशन, क्योंकि वापस उसी लोकेशन पर आ जाती है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो पेरियोडिक तो है बट वो ऑसिलेटरी नहीं है। सो ऑल द पेरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी, बट ऑल मे नॉट कहेंगे आप, बट ऑल द ऑसिलेटरी मोशंस विल सर्टेनली बी पेरियोडिक।
ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकता है. आई एम टुडे डिस्कसिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. सो चाहे वो 11th, 12th, 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ से ये कहानी शुरू होती है सब, या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, उनके बहुत काम की बातें हैं ये. इट माइट बी पॉसिबल कि आपको इंटरव्यूज़ वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन फेस करने पड़ जाएँ. सो लेट अस डिस्कस कि ऑसिलेशन वर्सेस वाइब्रेशंस की अगर हम बात करें, कि ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इनके अंदर आपस में क्या मतभेद हैं, ये हमें देखना है कि ये टर्म्स डिफरेंट हैं या सेम हैं, सिनोनिम्स हैं. सो बेसिकली हम इनको एज सिनोनिम्स यूज़ कर लेते हैं, बट देयर इज़ लिटिल, बड़ी मैं कहूँ कि महीन बाउंड्री जो है वो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है, जो दोनों को सेपरेट करती है. सो बेसिकली इन टर्म्स के अंदर बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस रहता है. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको डिफरेंसेस लिखने हैं, या आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है, आपको कंपैरिजन करना है, आपको स्टार्ट करना होता है उसकी डेफिनेशन से. सो ऑसिलेशन जो रहती है, दैट इज़ ऑलवेज मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजिशन विद फिक्स डिस्टेंस एंड विद फिक्स टाइम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मीन पोजिशन. मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मैं बोलती जाती हूँ आप उसको नोट कर लीजिए, एंड इन द एंड आपके पास नोट्स रहेंगे. बिकॉज अगर मैं यहाँ पर लिखने लगूंगी, इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम. सो ऑसिलेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजिशन विद फिक्स डिस्टेंस एंड फिक्स टाइम on both sides of the mean position, and that mean position is termed as equilibrium position. Sorry. और vibration में आप कहेंगे it is just moment about the mean position. मतलब distance का और time का fix होना vibration में कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन oscillation के अंदर जैसे ये mean position है, मैं यहाँ गई, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, मैं वहाँ गई, मैं यहाँ गई, मैं वहाँ गई, मतलब मैं अपने इस central point से दो step इधर, दो स्टेप बैक, दो स्टेप इधर, मतलब मैं अपनी मेन पोजीशन से दो स्टेप इधर जाती हूँ, फिर दो स्टेप बैक आती हूँ, दो स्टेप इधर जाती हूँ, फिर दो स्टेप बैक आती हूँ, और टाइम भी सेम कंज्यूम करती हूँ, देन माय मोशन इज ऑसिलेटरी. लेकिन इसी पॉइंट के आसपास मैं कभी इधर जाती हूँ, कभी इधर जाती हूँ, कभी आगे आती हूँ, कभी पीछे जाती हूँ, कभी यहाँ चली जाती हूँ, कभी वहाँ चली जाती हूँ, कभी कहीं चली जाती हूँ, कभी डांस, कभी घूमने लग जाती हूँ. सो ऐसी मोशन जिसके अंदर जो ट्रेजेक्ट्री है वो लीनियर ना रहकर सर्कुलर हो जाए, एलिप्टिकल हो जाए, पैराबोलिक हो जाए, बट रेपिटेशन इज देयर, मेन पोजिशन इज फिक्स्ड, पॉइंट फिक्स्ड है, इक्विलिब्रियम पोजिशन फिक्स्ड है, लेकिन उसके पास की आसपास की मूवमेंट, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, नथिंग इज फिक्स्ड, तब हम मोशन को बोलते हैं कि वो वाइब्रेशन है. आपको मुझे लगता है होप बेसिक डिफरेंस दोनों में क्लियर हो गया होगा. अब रहता है कि जब भी ऑसिलेशन वाइब्रेशन की बात होती है, हमेशा एक फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर हम चेंज की बात करते हैं. मैं यहाँ पर पहले मेंशन कर दूँ कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम अबाउट द मीन पोजीशन, ये हमेशा क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं. इसके अंदर ये फिक्स्ड नहीं होते हैं वाइब्रेशन के अंदर. एंड और जनरली ऑसिलेशन के अंदर जो टाइम पीरियड रहता है, टाइम पीरियड इज जनरली लार्ज, एंड यहाँ पर जो टाइम पीरियड रहता है वो जनरली स्मॉल. टाइम पीरियड क्या बोला है अभी हम बात करेंगे. बेसिकली बता देती हूँ कि एक ऑसिलेशन या एक जो होती है बैक एंड फोर्थ मोशन, एक राउंड ट्रिप को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, वी कॉल इट टाइम पीरियड. तो ये टाइम पीरियड ऑसिलेशन में लार्ज होता है, मतलब हम मेजरेबल उसमें रेंज में इसको मान के चलते हैं. वाइब्रेशन क्वाइट फास्ट होती है, जहाँ पर आपका फोन वाइब्रेट करता है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन. एग्जाम्पल्स पर अभी मैं आऊँगी. सो ऑसिलेशन के अंदर जो टाइम पीरियड रहता है, दैट इज जनरली लार्ज, एंड वाइब्रेशन में जो टाइम पीरियड रहता है, दैट इज जनरली स्मॉल. एंड इन ऑसिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज रिमेन सेम. ऑसिलेशन के अंदर जो सिस्टम की फिजिकल स्टेट होती है, दैट ऑलवेज रिमेन सेम. फिजिकल स्टेट मतलब मार्कर है ये इसी शेप में, इसी तरीके का ऐसे ही रहेगा, इस तरीके जूम जूम जूम, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. बट इन वाइब्रेशन फिजिकल स्टेट ऑफ सिस्टम में चेंज, वहाँ पर उसकी स्टेट चेंज हो सकती है. जैसे एक रबर है, आपने उसको खींचा, छोड़ दिया, वो बार बार बेचारा स्ट्रेच होता है, कॉम्प्रेस होता है, स्ट्रेच होता है, कॉम्प्रेस होता है, और हो सकता है उसमें परमानेंट जो चेंजेस हैं वो आने शुरू हो जाएँ. सो वाइब्रेशन के अंदर मैं कहूँगी कि सिस्टम की जो फिजिकल स्टेट है, उसके चेंज होने के बहुत चांसेस होते हैं, और होते भी हैं. एंड जो वाइब्रेशन होती है, दैट इज़ जनरली मैकेनिकल, क्योंकि किसी ना किसी एक क्वांटिटी को वेरी करना होता है पेरियोडिकली. ऑसिलेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट, चार्ज, करंट,
एंड अगर मैं बात करूँ इसके अलावा वोल्टेज, ये सारी क्वांटिटीज़ जो है वो वेरी कर सकती हैं विद टाइम पीरियोडिकली। तब हम बात करते हैं ऑसिलेशंस की, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में LC ऑसिलेशंस की बात रहती है, बट इन वाइब्रेशन वी विल टॉक ओनली अबाउट डिस्प्लेसमेंट। देर इज चेंज ओनली, सर्टेनली ओनली इन डिस्प्लेसमेंट। एंड अगर मैं बात करूँ कि ऑसिलेशन की, ऑसिलेशन इज ऑलवेज जनरली एसोसिएटेड विद अ सिंगल ऑब्जेक्ट, कि मतलब ये मेरे पास एक डस्टर है, मैंने यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट लिया और इसके स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के साथ इसको अटैच कर दिया, वो जूम जूम करके आगे पीछे जाएगा। वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग आवर फोकस ऑन दिस मास, ये आगे पीछे जा रहा है, चाहे वो स्प्रिंग की वजह से जा रहा है। सो दिस इज एंटायर बॉडी मोशन ऑफ सिंगल बॉडी। लेकिन वाइब्रेशन के अंदर क्या रहता है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट, इसके बॉडी एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और वो सारे के सारे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इन वाइब्रेटरी मोशन। अब होता क्या है कि ऑसिलेशन के अंदर, जैसे मैं कह रही हूँ कि पेंडुलम है क्लॉक का, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन के अंदर म्यूजिकल नोट्स जब प्रोड्यूस किए जाते हैं, गिटार की स्ट्रिंग को प्लग किया जाता है, मीराबाई याद आ रही होगी सितार बजाती हुई, सो वो जो रहती हैं एग्जाम्पल, सोनोमीटर की वायर है, ये एग्जाम्पल सब रहती हैं वाइब्रेशंस की। आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है, हम लोग आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, मैं बोल पा रही हूँ, मेरी आवाज़ आप तक जा रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, डायफ्रैगम ईयर के अंदर वो वाइब्रेट हो रहा है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन इज जनरली अ रैंडम प्रोसेस एंड ऑसिलेशन इज जनरली एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या रहता है। अब वाइब्रेशन की कहानी क्या होती है कि आपने किसी सिस्टम को डिस्टर्ब किया, उसके अंदर जो एटम्स हैं, क्योंकि बड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस है, उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि वो एटम्स एक दूसरे के साथ स्प्रिंग टाइप बॉन्ड्स के साथ अटैच हैं, यू डिस्टर्ब वन एटम दिस विल डिस्टर्ब अदर एटम, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरीके से वो डिस्टर्बेंस आगे आगे देते रहते हैं। सो एटम्स जब एक सिस्टम के अंदर जो है ऑसिलेट करने लग जाते हैं, तो बॉडी जो है वो हम लोग कहते हैं वाइब्रेट करने लगी है, जैसे कि आपके फोन के अंदर होता है। सो वाइब्रेशन जो होती है, दैट इज अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ ऑल ऑफ द एटम्स ऑफ द सिस्टम। लेकिन जो ऑसिलेशन रहती है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट की, क्योंकि अभी मैंने बोला वाइब्रेशंस इज कंपाइल्ड वर्जन ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, एंड ऑसिलेशन तो एक बेचारा एक अकेला इधर उधर घूमता रहता है, आप कहीं से भी पकड़िए, कहीं भी बिठा दीजिए, दैट इज ऑसिलेशन। सो आई एक्सपेक्ट कि आपको ऑसिलेशन और वाइब्रेशन का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। यू कैन राइट द डिफरेंसेज अमंग दीज टू टर्म्स। सो बेसिकली ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन के अंदर बड़ा टेक्निकल माइनर सा डिफरेंस है, बट जनरली ऑल द बुक्स एंड ऑल द पीपल यूज दैम एज सिनोनिम्स अंटिल अनलेस हम टेक्निकलिटी पर ना जाएं। तो बट आपको, क्योंकि हम SHM वाइब्रेशंस वेव्स इन सब की बात करेंगे, तो आपको ये बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं कुछ उन टर्म्स की तरफ, कुछ उन पैरामीटर्स की तरफ, जिनकी बात हम बार 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 इस पूरी जो मैं कहूँ कि ये टॉपिक रहेगा, इसके अंदर बार बार करेंगे, ऑल इन द टुडेज लेक्चर, इन कमिंग लेक्चर्स, इन कमिंग वीडियो, सबके अंदर ही बात होती रहेगी। तो उन टर्म्स की हम बात कर लें आज, उसके बाद आगे की कहानी पर डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट टर्म दैट वी आर यूजिंग एंड वी विल बी यूजिंग विल बी द डिस्प्लेसमेंट। आप कहेंगे कि हमें तो पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, वही रटी रटाई डेफिनेशन। यहाँ पर क्योंकि हम ऑसिलेशंस की बात कर रहे हैं, हम वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं, हम पेरियोडिक मोशंस की बात कर रहे हैं, हम बाउंडेड मोशंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भला क्या रहेगी। आपने एक पेंडुलम लिया, आपने उसको रिजिड सपोर्ट से हैंग किया इस तरीके से, बेचारा इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे आप, बार 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 रिपीटिंग है उसकी मोशन। सो मेन पोजिशन से वो कितना दूर है एट सर्टेन टाइम, उसको हम बोलते हैं उसकी डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग हार्मोनिक मोशन एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन। आप लोग नोट कर लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट इज द, आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग हार्मोनिक मोशन फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन, कि अपनी मेन पोजीशन से कितना, एक पेंडुलम है बेचारा, ये रिजिड सपोर्ट है, ये एक स्ट्रिंग के साथ आपने पेंडुलम को हैंग कर दिया, आपने इसको यहाँ पकड़ा है, इधर ले जाकर छोड़ दिया, बेचारा यहाँ से यहाँ आया,
फिर इधर जाता है, ये क्यों इधर आकर इधर जाता है, ये सब कॉजेज जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों रहता है, इनर्शिया का क्या रोल रहता है, रिस्टोरिंग फोर्स का क्या रोल रहता है, दैट ऑल वी विल डिस्कस। तो अब देखिए ये कुछ इस तरीके की इसकी मोशन रहती है। ये सेंट्रल पोजीशन जिसको मेन पोजीशन बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, हम बोलते हैं यहाँ पर एक्स क्या है, जीरो। अब यहाँ x जीरो है, अगर ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पर है तो मैं इस मीन पोजीशन से इसका डिस्टेंस मेजर कर लूँगी, जितना भी है 1, 2, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, दैट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल इस तरीके से इधर भी ये मेजर की जा सकती है। सो प्लस माइनस हम ले लेते हैं कि पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, ये कहानी रहती है। सो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या रहती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक भी हो सकती है, फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। उसके बाद अगर मैं बात करूं एम्पलीट्यूड, बार बार ये वर्ड आपके सामने आएगा, आपको परेशान ना करें, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल ऑन बोथ साइड्स ऑफ मीन पोजिशन, कि ये बेचारा यहाँ से वापस उलेता है, ये वहाँ यहाँ से वापस उलेता है, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, इससे आगे ये नहीं जा सकता। इसी तरीके से इससे इधर ऑन दिस साइड भी, इनको हम एक्सट्रीम पोजीशंस बोलते हैं जहाँ से पार्टिकल वापस आता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन से लेकर मीन पोजीशन तक का ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ए। अलोंग दिस साइड इट इज प्लस ए, अलोंग दिस साइड इट इज माइनस ए। सो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी पार्टिकल ऑन बोथ साइड्स ऑफ मीन पोजीशन। इसके बाद नेक्स्ट जो डिस्कशन करनी जरूरी हो जाती है, दैट इज ऑफ टाइम पीरियड, जिसकी मैं बार बार बात कर रही थी। टाइम पीरियड इज टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट वन ऑसिलेशन या फिर वन वाइब्रेशन। पार्टिकल जैसे यहाँ से आप शुरू हुए, इधर गई मैं, यहाँ आई, यहाँ गई, फिर से यहाँ आई, तो मैं इधर जाकर वापस यहाँ आ गई, दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस को कवर करने के बाद वापस यहाँ आ गई। या फिर आपने मेरी मोशन को यहाँ से स्टार्ट किया, मैं यहाँ भी गई, यहाँ भी आई, वापस यहाँ आ गई, तो ये पूरा राउंड ट्रिप कंप्लीट करने में मुझे जितना टाइम लगा, वी कॉल इट टाइम पीरियड। सो टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट वन ऑसिलेशन बाय पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी जो रहती है इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल होती है। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को एक्स से डिनोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू सिंबल, ग्रीक सिंबल न्यू से डिनोट करेंगे। सो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो दीज आर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एग्जीक्यूटेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड। अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ से अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करी, अपनी यात्रा, और मैं घूमती जा रही हूँ। आपने ये देखा कि 1 सेकेंड में मैंने कितनी राउंड ट्रिप्स कंप्लीट कर ली हैं, दैट इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एग्जीक्यूटेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड, एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। क्योंकि मुझे पता है टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन जो है टाइम पीरियड टी सेकेंड्स के अंदर ऑसिलेशन कंप्लीट होती है, एक हमें देखना है 1 सेकेंड में कितनी होती हैं। तो 1 सेकेंड में ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगी 1/T, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इज फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में कितनी ऑसिलेशंस हुई, सो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद टर्म आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, फेज, जिसकी बात शायद मैंने पहले भी की नहीं लेकिन कुछ लेक्चर्स में करी हो। फेज एक ऐसी टर्म है जो बड़ी बेसिक टर्म है, और जनरली इंटरव्यूज में या कहीं पर भी वाइवास वगैरह में पूछ लिया जाता है, एंड बिकॉज दिस इज द मोस्ट बेसिक वन, और लोग इसको भूल जाते हैं। सो जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन रहती है, दैट इज फेज। फेज क्या बला है, इट इज पोजिशन ऑफ पार्टिकल विद रिगार्ड्स टू इट्स डायरेक्शन। ये वो क्वांटिटी है, वो टर्म है जो सिंगल होकर भी दो इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है, हमें पोजीशन भी देती है पार्टिकल की, ये हमें डायरेक्शन भी देती है। अब तक फेज से पहले हमें पोजीशन अलग से स्टडी करनी पड़ती थी और हमें डायरेक्शन को अलग से स्टडी करना पड़ता था, लेकिन इसको इसके अंदर हमें दोनों चीज़ें पता लग जाती हैं। सपोज मैं, और इसको जनरली एंगल के टर्म्स में मेजर किया जाता है, सपोज थीटा लिख लिया आपने, फाई लिख लिया, यू कैन राइट एनी, मान लीजिए मैंने फाई इज इक्वल टू 5/2 कह दिया कि फेज जो है वो 5/2 है, एंड जो ट्रेजेक्ट्री है मोशन की सपोज इट इज लाइक दिस, ये साइन कर्व है मुझे पता है, और फाई की वैल्यू पाई बाय टू, यहां जीरो हो गया, ये पाई बाय टू हो गया, ये पाई हो गया।
एंड 3π/2 एंड दिस इज आगे 2π, ये सब आगे चलता चला जाएगा. आप फोकस करिए यहाँ पर π/2 पर इसकी वैल्यू क्या है, मुझे पता है 1 आएंगे. और मुझे पता है पार्टिकल यहाँ पर है. इट इज, देखिए इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि एम्पलीट्यूड ए है, सो लोकेशन मुझे पता लग गई कहाँ पर है. और डायरेक्शन भी देखिए, इट इज अबाउट द मेन पोजिशन, मीन पोजीशन के ऊपर है. अगर यहाँ पर ये हो जाता तो यहाँ मीन पोजीशन के नीचे हो जाता. सो मुझे डायरेक्शन भी पता चल गई है, अबव द मीन पोजीशन है, और वैल्यू कितनी है, ए एम्पलीट्यूड या एक्सट्रीम पोजीशन पर वो प्रेजेंट है. सो इसकी वैल्यू हमें ये बताती है कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में है, किस पोजीशन पे है. सो इट गिव्स यू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिगार्ड्स टू इट्स डायरेक्शन. आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि फेज क्या है, और इसको एंगल के टर्म्स में हम मेजर हमेशा करते हैं. एंड उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म रहती है इपॉक. इपॉक ये भी यूज किया जाता है वाइब्रेशन एंड वेव्स के अंदर. इपॉक इज बेसिकली फेज एंगल एट टी इज इक्वल टू 0 सेकंड. कि जब आपने मोशन को स्टडी करना शुरू किया, जब आपने अपने टाइम को स्टार्ट किया, जो रेफरेंस टाइम है आपका, उस रेफरेंस टाइम पर फेज क्या है पार्टिकल का, कहाँ से शुरू हो सकता है. मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं यहीं से चल पड़ूँ इधर उधर इधर उधर, और हो सकता है मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं यहीं से चल पड़ूँ, हो सकता है ओरिजिन वहाँ है और मैं यहाँ से चल रही हूँ. सो जो पोजिशन है क्या है और डायरेक्शन है क्या है एट द स्टार्टिंग टाइम, उसको हम बोलते हैं इपॉक. और उसके बाद टर्म फेज डिफरेंस. लास्ट बट नॉट लीस्ट फेज डिफरेंस. अब फेज डिफरेंस भला क्या भला है, दो फेजेस के बीच का डिफरेंस. अगर दो ऑब्जेक्ट्स ऑसिलेट कर रहे हैं, पहले का फेज कितना है, दूसरे का फेज कितना है, उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजी दैट वी नीडेड टू डिस्कस इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या भला है, इसकी हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.